हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने के इस सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। एक्सेस के अंदर हम सीखने जा रहे हैं डीडीएल कमांड। अब डीडीएल का मतलब आप जानते ही हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये एसक्यूएल का एक कमांड है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसमें तीन कमांड्स हम लोग सीखेंगे। तो जो सबसे पहला जो कमांड है डीडीएल का वो है क्रिएट, दूसरा है अल्टर और तीसरा है ड्रॉप। ये तीनों ही कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एमएस एक्सेस आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके में अगर इंस्टॉल होगा तो वहां से आप ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो 2007 यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो 2000, जैसे कि मैं 21 यूज कर रहा हूँ, वो भी यूज कर सकते हैं। या 13 हो, 10 हो, 16 हो, 19 हो, कोई भी आप यूज कर सकते हैं वर्जन। ठीक है, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं ये सिनेरियो आएगा। अब आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यही रखता हूँ और क्लिक कर देता हूँ क्रिएट पर। और फिर व्यू पे क्लिक करेंगे, लेकिन व्यू पे क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें काम करना है एसक्यूएल व्यू में। तो इस टेबल को क्लोज कर देंगे और क्लोज करके फिर क्रिएट पे जाएंगे, देन क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ एसक्यूएल नजर आएगा, क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट नाम का कमांड यूज होता है किस लिए, टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एक टेबल मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट नाम से टेबल हो गई। और अब जो है इसमें फील्ड के नेम आएंगे, तो यहाँ पर आईडी कर देता हूँ और आईडी का डेटा टाइप इंट, और यहाँ कर देता हूँ नॉट नल प्राइमरी की, प्राइमरी की इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो ये प्राइमरी की बना दिया। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, यानी डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउ होती नहीं है। और यहाँ पे कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट। और फिर आपको उसके प्राइस डालनी होगी, तो यहाँ पे प्राइस भी कर देते हैं पी आर आई सी प्राइस, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके और फिर एंटर हिट करना है। जैसे एंटर हिट करेंगे तो नीचे आएंगे, लेकिन एक चीज और ध्यान देनी है, ये नेम ऑफ प्रोडक्ट का जो डेटा टाइप है वो हमने मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे वेयर केयर करके और यहाँ पे 40 साइज हमने कर दिया है, और फिर यहाँ पे प्राइस जो है वो डालनी होगी। तो प्राइस का जो डेटा टाइप है यहाँ पे हम रखेंगे करेंसी। अब ये आपको माई एसक्यूएल में नहीं मिलेगा करेंसी डेटा टाइप, ये से ध्यान दीजिएगा। और अब हमें क्या करना है, इसको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेट करके और अब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ से रन करवाएंगे तो एक टेबल बन जाएगी। ठीक है, फिलहाल देखिए ये एरर जनरेट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे टेबल कीवर्ड हमने नहीं लिखा है जिसकी वजह से ये एरर जनरेट कर रहा है। तो क्रिएट टेबल लिख दीजिएगा, बाकी सब चीजें सही हैं। और अब यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए तो ये टेबल बन जाएगी। और अब इसमें रिकॉर्ड्स को फिल करना है। ठीक है, फिल करने के पहले हम क्या करते हैं, हम यहीं से फिल कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे वन किया हमने, और यहाँ पे क्या करते हैं प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। जैसे कीबोर्ड लिख दिया, KEBOARD कीबोर्ड हो गया। फिर इसकी प्राइस है मान लीजिए 500 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो है वो है आपका माउस, MOUSE माउस हो गया, और इसकी प्राइस है 200 रुपए। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो है ये हो गया CPU कर दिया हमने, और CPU की जो प्राइस है वो है 25,000 रुपए, तो यहाँ पे 25,000 कर दिया। फिर फोर्थ है आपका GPU। ठीक है, तो यहाँ पे GPU कर देते हैं, और GPU की जो प्राइस है वो है 12,500 रुपए, तो ये कर दिया हमने। इसके बाद पांचवा है प्रिंटर, तो यहाँ पे प्रिंटर कर देते हैं, तो ये हो गया प्रिंटर। और प्रिंटर की जो प्राइस है वो है यहाँ पे 18,800 रुपए। ठीक है, तो ये भी हमने डाल दिया है इस तरीके से। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है क्या हमें अल्टर कमांड यूज करना है, तो अल्टर कमांड को कैसे यूज किया जाए। तो ये तो क्वेरी बन गई जिसके थ्रू ये टेबल बनी हुई है, और इस क्वेरी को मैं सेव करके और क्लोज भी कर देता हूँ। तो अब एक वापस हमें क्रिएट पे जाके क्वेरी बनानी होगी, और यहाँ से जाकर के अल्टर कमांड चलाना होगा। तो यहाँ लिखा अल्टर, अब टेबल का नाम देखिए, अल्टर लिखने के बाद टेबल का नाम देना होता है आपको। तो अल्टर टेबल और फिर टेबल का नाम देना होता है, तो जो भी टेबल का नाम है, जैसे हमारे केस में प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर देते हैं टेबल का नाम, और एंटर करके नीचे आएंगे। और अब इसमें क्या करना है, कोई कॉलम मान लीजिए ऐड करवाना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इस तरीके से, और फिर यहाँ पे कॉलम का नेम देंगे। जैसे मान लीजिए हमें यूनिट ऐड कराना है, तो यहाँ पे लिख देंगे UNIT, यही अल्टर कमांड का यूज है। और यहाँ पे यूनिट का डेटा टाइप हम फ्लोट रख देते हैं। ठीक है, और देन यहाँ से करना है टर्मिनेट, और टर्मिनेट करके तब इसको चलाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और कॉलम ऐड होता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे ये अब ऐड भी हो गया होगा। यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूनिट वाला कॉलम भी ऐड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 6 यूनिट, 7 यूनिट, जो भी यूनिट है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। ये 6 हो गया, फिर यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ फिर यहाँ पे आके 7 कर देते हैं या 9 कर देते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं 10।
तो ये हो गया, यूनिट भी हमने इसमें ऐड करा लिया है, देख सकते हैं ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्टर का यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इस क्वेरी को भी अगर हम सेव कर देते हैं क्वेरी टू के नाम से, तो आप इसमें जो है अल्टर कमांड का यूज करके और भी काम कर सकते हैं, जैसे कॉलम को ड्रॉप कराना हुआ तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। क्रिएट पे जाके, क्वेरी डिजाइन पे जाके, और यहाँ से एसक्यूएल व्यू पे चलना है और यहाँ पे लिखना है ड्रॉप, ठीक है। और फिर क्या करना है, पहले तो अल्टर कमांड चलाएंगे, बिना अल्टर कमांड चलाए आप ड्रॉप नहीं चलाएंगे। तो अल्टर टेबल करेंगे और फिर टेबल का नाम देंगे, तो ये अल्टर टेबल हो गया। फिर टेबल का नाम है प्रोडक्ट, पी आर ओ डी यू सी टी, तो ये हो गया प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट लिखने के बाद क्या करना है, एंटर कर देना है, और अब यहाँ पे ड्रॉप कमांड लिखना है। तो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया हमने, और कॉलम को ड्रॉप करा रहे हैं सी ओ एल यू एम एन, ये लिख करके फिर कॉलम का नेम देना है। जैसे लास्ट वाला जो कॉलम था वो कौन सा ऐड हुआ था, तो यूनिट ऐड हुआ था। तो यूनिट को हटाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे यूनिट दे देंगे, और यूनिट दे करके टर्मिनेशन देंगे, और टर्मिनेशन देकर के तब इसे चलाएंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये टेबल क्लोज रहना चाहिए, तब ये चलेगा। फिर क्वेरी डिजाइन पे जाके यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे, और रन पे क्लिक करते ही ये काम हो जाएगा। देखिए यहाँ से वो वाला टेबल जो कॉलम था वो हट चुका है, देख सकते हैं ठीक है। तो इस तरीके से आपको हटाना हो तो आप हटा सकते हैं बहुत ही इजीली। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें जो है फिर से हम एक कॉलम ऐड कराने की कोशिश करते हैं, तो फिर वही क्वेरी हमें लिखनी होगी, आप तो जानते ही हैं। लेकिन आप इसी क्वेरी को हटा करके और देन जो है, जैसे ऐसा नहीं है कि इस क्वेरी को हटा करके यहाँ पे कोई दूसरी क्वेरी दे देंगे तो पुरानी वाली क्वेरी हट जाएगी, इसमें अंडू नहीं हो सकता, यानी एक स्टेप आप पीछे नहीं जा सकते। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्टर टेबल, फिर टेबल का नाम प्रोडक्ट जो भी हमने दिया है, तो वो टेबल का नाम यहाँ पे दे देते हैं, ये प्रोडक्ट दे दिया, एंटर किया। फिर यहाँ पे लिखते हैं एड कॉलम सी ओ एल यू एम एन, और यहाँ पे कर देते हैं क्लास सी एल ए डबल एस, और इसका डेटा टाइप दे देते हैं, जैसे हम वेरकैर दे सकते हैं, इंट दे सकते हैं, तो ये वेरकैर दे दिया हमने, और यहाँ पे 2 दे दिया साइज, और इसको बंद करके और यहाँ से टर्मिनेशन देना है, टर्मिनेशन दे दिया। और टर्मिनेशन देने के बाद ये जो टेबल ओपन है इस टेबल को क्लोज जरूर करना होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर अब इसको चलाना है, तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाकर रन करवा दिया। तो रन करवाएंगे, देखिए इसमें क्लास वाली टेबल ऐड हो गई, अब इसमें आप क्लास एंटर करवा सकते हैं। इसी तरीके से कोई दूसरी भी टेबल हो तो इसमें ऐड करवाया जा सकता है, जैसे क्लास की जगह मान लीजिए कोई और टेबल होती, जैसे एड्रेस या सिटी की टेबल होती, तो यहाँ पर सी आई टी वाई सिटी लिखा आपने और फिर इसे चला देते, टेबल क्लोज करके ही चलाना है, ये चीज तो बिल्कुल ध्यान देनी है। और यहाँ से रन करवा दिया, तो अब देखिए इसमें ये भी ऐड हो गया, ठीक है। डिलीट करना है तो वही सेम प्रोसेस की ड्रॉप कॉलम करना होगा, तो यहाँ पे ऐड कॉलम की जगह ड्रॉप करना होगा, ठीक है। तो ये जा करके और यहाँ से ये ड्रॉप कर दीजिएगा डी आर ओ पी, ये ड्रॉप हो गया, और फिर यहाँ से ये वेरकैर हटा दीजिएगा, तब डेटा टाइप नहीं पड़ेगा जबकि ड्रॉप कराना होगा तो, ठीक है। तो ड्रॉप और यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, और फिर आप जब इस पर क्लिक करेंगे क्वेरी डिजाइन पर तो ये डिलीट भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से डिलीट हो गया एक, अब क्लास बचा हुआ है तो क्लास को भी डिलीट करना है, तो अब यहाँ से जाके वही चीज़ की सिटी के जगह अब क्लास कर दीजिए, तो सिटी तो डिलीट हो ही चुका है, अब क्लास डिलीट होगा, तो सी एल ई डबल एस क्लास हो गया, और इसको चला दीजिए टेबल को क्लोज करके, तो ये टेबल क्लोज हुई और यहाँ से इसको चला दिया हमने। चलाने पर देखेंगे कि ये जो है एक कॉलम और जो है हट गया है। तो ये वो तरीका है जिस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी।